विजय पांडे, मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। बिजली है, अच्छे रास्ते है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नासिक में उपलब्ध है। और यदि अच्छे शासन और प्रशासन आता है तो बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज़ नासिक में आएंगी। बॉम्बे और पुणे में अब इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना लगभग बंद हो गया है, तो सब वहाँ की सब इंडस्ट्रीज इधर आएंगी और उसके कारण आने वाले युवकों के लिए नौकरियाँ और जॉब्स बड़े पैमाने पे उपलब्ध हो जाएंगे। एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज देखा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम में भी गलत लोग घुस गए हैं और उसके कारण इंडिया में एजुकेशन का स्टैंडर्ड नीचे जाता हुआ दिखता है। तो ये एजुकेशन का स्टैंडर्ड हम जब तक ऊपर नहीं उठाते हैं तब तक आम आदमी पार्टी बहुत कड़ा प्रयास करेगी। आज ग्रामीण एरिया में रोड्स की स्थिति अच्छी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी तो वो बहुत सारे ग्रामीण एरिया में लगभग 18-18 घंटे का लोड शेडिंग चालू है, तो ये बहुत गंभीर स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा यही कहना है कि यह स्थिति क्यों आई, यह स्थिति आई क्योंकि आज के जो पॉलिटिकल लीडर्स है बहुसंख्यक वे करप्ट है, और वे करप्ट होने के कारण ये अच्छी तरह प्लानिंग नहीं किया गया है। और जो भी कुछ प्लानिंग किया गया है उसमें से लगभग 50% गवर्नमेंट डेवलपमेंट फंड जो है वो करप्शन में लूटा जाता है, और इसी के कारण ये विकास में रुकावट आई है। और यदि नॉन करप्ट व्यवस्था आती है तो ये 50% निधि जो लूटा जा रहा है वो ठहरेगा, और फिर उस 50% बचे हुए निधि में से ये जो सब प्रॉब्लम्स है जैसे कि बिजली का और रोड्स का, ये सॉल्व हो सकता है। देखिए, ये गवर्नमेंट का ये धोरण ही है कि महिलाओं का सक्षमीकरण होना चाहिए, उनको 50% तक रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए, और आज की परिस्थिति में तो 30% है ही है। आम आदमी पार्टी जो है ये मुद्दा बहुत गंभीरता से लेती है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी पार्टियों ने अभी उनके उम्मीदवार घोषित किए हैं उसमें से किसी ने सफिशिएंट महिलाओं को टिकट नहीं दिए है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं उसमें से लगभग 25% महिलाएँ हैं। तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए पूरा ध्यान रख रही है कि महिलाओं को उचित रिप्रेजेंटेशन मिले, और हम वैसा करने वाले हैं। ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं इसमें बीच में इतने दलाल आ जाते हैं और फिर इनकी जो कॉस्ट है वो कई गुना हो जाती है। तो ऐसा न होते हुए यदि काश्तकार और ग्राहक इनमें यदि डायरेक्ट लेन देन हो तो ये कॉस्ट में बहुत सारी कमी आ सकती है। तो आज की जो व्यवस्था है ये व्यवस्था में बदल ला के डायरेक्ट फार्मर्स और उपभोक्ता इनका डायरेक्ट लेन देन होना चाहिए, ऐसी सिस्टम खड़ा करने का प्रयास आम आदमी पार्टी करेगी। वोटर्स से मेरा एक आह्वान है कि ये जो आने वाले इलेक्शंस है ये इलेक्शंस में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं। एक पार्टी है जो कि भ्रष्टाचार में लिपटी हुई है, और एक आम आदमी जैसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करती है। तो ये आने वाले रिली इलेक्शन से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार मुक्ति ये दोनों में का जंग है। तो सब वोटरों से मेरा नम्र निवेदन है कि वोटिंग करने के पहले वे कैंडिडेट्स को अच्छी तरह जांच ले, परख ले,
पार्टी को अच्छी तरह जांच ले परख ले।